हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति मुटपुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन सांभर। उसके लिए हमने ये तूर दाल को बॉईल कर लिया है। उसमें हमने टमाटर, गाजर, प्याज, बैंगन, नमक और हल्दी डाल के इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बाकी फिर हमें लगेगा ये ड्रम स्टिक है, छोटा सा प्याज, हाफ टमाटर, लाल मिर्च और ये हमारी थोड़ी सी बॉइल्ड सब्जियां है जो गाजर है, बैंगन है, प्याज है और एक कड़ी लीव्स, ये लाल मिर्च पाउडर, सांबर मसाला, ये पल्प है इमली का, मेथी, राई, जीरा, शक्कर, ये उड़द दाल है, नारियल पीस है, ये अपना हरा धनिया और ये ग्रेटेड जिंजर। तो आइए फ्रेंड्स, हम हमारे सांबर बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे हमारी राई, एक टीस्पून राई उसमें डालेंगे हम, हमारा एक टीस्पून फुल जीरा, ये ग्रेटेड जिंजर है ये भी डाल देंगे, हाफ मेथी, उड़द की दाल इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे हमारा ये प्याज। पहले ही हमने दाल में प्याज वगैरह डाल के, टमाटर, गाजर ये सब डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था, भले कि इसलिए हमने हाफ प्याज लिया है। प्याज को हम देंगे हमारा, हमारी ये मिर्च सूखी वाली, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे, बाद में हमारे दाल बनने में आएगी, उसके लिए हम डालेंगे दाल में कड़ी पत्ते। फ्रेंड्स, ये हमारी हींग है जो हम मैं बताना भूल गई थी आपको, इसे भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। बाद में जो हमारी ये सब्जी हमने थोड़ी सी रखी थी बॉईल वाली, वो भी डाल देते हैं। सब्जी अच्छे से उसके बाद में ये हमारी फल्ली उसे डाल देंगे। टमाटर, ये सब चीजें हमने पहले ही डाल दिए थी फल्ली को छोड़ के, बाकी सब चीजें हमने पहले ही डाल दिए थे, इसलिए सब बॉईल वाली सब्जी भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बाकी का बॉईल सब्जी पहले ही डाले थे हमने। हमारे दाल में हमने नमक डाल चुके हैं, नमक हल्दी हमारी डली हुई है, इसके लिए हमको उसको डालने की जरूरत नहीं है। ये फल्ली को दो मिनट भून लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे हमारा लाल मिर्च पाउडर, जैसा आप तीखा खाते उसके हिसाब से डालिए। ये सांबर पाउडर, एक बड़ा चम्मच ये सांबर पाउडर है। हमारा सांबर अच्छे से भुनना चाहिए, सांबर मसाला डालने के बाद भी इसकी स्मेल, खुशबू आना चाहिए। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हमारा पानी, क्योंकि ये फल्ली पकने की है, इसको पकाने के लिए हमको पहले पानी डालना है। 10 मिनट तक हम बॉईल होने देंगे। ढक देते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये दाल भी, ये पानी जो हमने डाल के रखा था वो उबल चुका है। अब इसमें हम हमारे दाल को डाल देंगे, बॉईल की हुई जो दाल थी उसे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सांबर पतला होता है इसलिए हम इसमें पानी भी मिलाएंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसमें हमारा ये इमली का पल्प डाल देंगे,
और इसका थोड़ा सारनेस कम करने के लिए थोड़ी सी शक्कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स अब इसमें हम अपना पानी मिला लेंगे। इसमें हमारी एक कड़ी पत्ता वो भी डाल देंगे। ऐसे डाल देने से इसका फ्लेवर उभर के आएगा। और इसे 10 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सांबर तैयार हो गया है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम लोग डालेंगे हमारा हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये हमारा खोबरा किस नारियल किस है ने मिक्स कर लीजिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गया हमारा साउथ इंडियन सांभर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सजेशन हो प्लीज मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू।